हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आपका वीडियो का क्वालिटी क्या है, वॉइस कैसा है, जरा आप लोग में से कोई भी छात्र कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो प्रिय छात्रों, मैं बता दूं कि आप लोगों ने सिंपली ये देख करके आप लोगों ने क्लिक किए वीडियो पे, तो बिल्कुल सही जगह पे क्लिक किए हैं। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यदि क्वेश्चन आउट होता है, यदि आप मैट्रिक के छात्र हैं, तो आपको जब क्वेश्चन पहुँचता है तो आप सबसे पहले यहाँ पे सिंपली कोना जो आपको दिख रहा है, ये आप देखें कि यहाँ पर जो है ये सेक्शन या फिर जो भी सेट है वो यहाँ पे लिखा है या फिर नहीं। यदि ये लिखा होगा तो आप बिल्कुल तरह से 100% आपको वो वायरल और सही प्रश्न होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो बिल्कुल तरह से वायरल और गलत क्वेश्चन होता है। तो सिंपली मैं आपको ये समझा चुका हूँ, आगे समझा दूं कि ये आपका इंटर का है जो हमारे पास 1:30 बजे रात अर्थात 1:00 बजकर आपको 30 मिनट के आसपास पहुंच गया था और ये काफी मेहनत और काफी बात पहुंचा था। तो ये भी एक गलत प्रक्रिया था जो कि आउट हुआ। लेकिन मैं आज इस वीडियो में जो आपको साइंस का कुछ वास्तव में जो आउट हुआ है अर्थात वायरल हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। यदि ये वीडियो वो छात्र सभी नहीं देखते हैं जो काफी कमजोर है, काफी वीक है, तो वो बाद में पछताएंगे और उनको रोने की स्थिति आ जाएगा। सो चलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिए, इसमें काफी ऑब्जेक्टिव होगा और मैं जो कह रहा हूँ 100% आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय छात्रों, मैं सबसे पहले बता दूं कि यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर चुके कर पाए थे, अगर नहीं कर चुके हैं तो आपको जल्दी से आपको इस टेलीग्राम को सर्च करना है और आपको यहां पे ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि यहीं से आपको वो वायरल और आंसर के साथ मिलेगा क्वेश्चन। तो आगे हम चलते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर टाइप करके मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में वरा प्रतिबिंब बनता है? तो आप सभी छात्रों को पता होगा वो दर्पण होता है अवतल दर्पण, जिसमें किसी वस्तु का वरा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला सवाल आपका 2 नंबर है, जिसका आंसर भी आप लोग के सामने में है, कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग का आंसर यहां पर आएगा अवतल। और ध्यान रखिएगा, टॉर्च हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का ही यूज होता है। चलिए 3 नंबर सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका सवाल यहाँ पे है 4 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप लोग के सामने आंसर यहाँ पे रखा जा चुका है कि 3×10^8 m/s। ध्यान रखिएगा, m/s आपको बोलना है, ना कि सेंटीमीटर वाले और किलोमीटर वाला। इस बात को आप ध्यान रखते हैं, नहीं तो आप एग्जाम में गलती कर बैठेंगे, हर बार में गड़बड़ मत कीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपका 5 है, कर्निया में दोष अर्थात उसको पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार के नेत्र दोष होता है? अर्थात आंख में जो होता है, जब गोलीय दर्पण जो है, लेंस जो है गोलीय नहीं हो पाता है, तो कौन सा जो है यहाँ पे जो है मतलब कि रोग उत्पन्न होता है, कौन सा दोस्तों? वो होता है अविदुक्ता होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। निकट दृष्टि वाले व्यक्ति को चश्मे में इस्तेमाल किया जाता है किस लेंस का? जो निकट वाले के लिए होता है अपसारी अर्थात अवतल लेंस का यूज होता है, तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको अभी हमने बताए थे अवतल, जिसको हम लोग अपसारी भी कहते हैं, और ये लेंस में होता है, आपको लेंस में बोला है, ना कि दर्पण में। इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल आपका है, डायनेमो में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? तो डायनेमो से जो है दोनों प्रकार की धारा होता है, दिष्ट और मतलब प्रत्यावर्ती, अर्थात एसी बोथ डीसी, अर्थात दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करते हैं हम लोग। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, जैसे ही आपको शक्ति के बारे में बोला जाए तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ध्यान रखिएगा। अश्व शक्ति, अश्व शक्ति पूछा जाता है, अर्थात एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 10 नंबर है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है नरम लोहा या इस्पात? तो चलिए 10 नंबर बहुत ही भयंकर सवाल है और इसका आंसर होगा आपका नरम लोहा। बहुत ज्यादा भी है, सभी आपके क्वेश्चन पेपर में आया है, जो लीक होके आया है हमारे पास वही हम दे रहे हैं। आप एग्जाम में दाए बेझिझक, आपको यहाँ पे बेझिझक आप एग्जाम में सभी का आंसर दे सकते हैं और 100% आपके एग्जाम में है। आप एग्जाम में जाने के बाद मत रोइएगा, अभी अगर वीडियो छोड़कर आप भागते हैं तो एग्जाम में आपको वास्तव में रोने की हाल हो जाएगा। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो 11 का आंसर होगा, ये बढ़ता है, ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। 12 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग कहते हैं, जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं उसको जनित्र कहते हैं या इसको हम लोग डायनेमो कहते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। इसी को जनरेटर भी हम लोग कहते हैं या डायनेमो कहते हैं। 13 है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा का किसकी दिशा को दर्शाता है? तो बल की दिशा को दर्शाता है, जी आपका आंसर सी हो जाएगा,
जी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा फास्ट दे रहे हैं क्योंकि आपका टाइम काफी इंपोर्टेंट है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो 14 का जो आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 15 है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है आपका यूरेनियम होता है, ध्यान रखिएगा यूरेनियम, जिसका संकेत यू होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय कहने का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए। नवीकरणीय कहने का मतलब जो कभी खत्म ना हो, तो सौर ऊर्जा जो है कभी खत्म नहीं होगा, जब तक सूर्य भगवान है तब तक सौर ऊर्जा मिलता रहेगा। चलिए, भोजन का पाचन तथा पकना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, भोजन का पाचन और पकना ये दोनों के दोनों अभिक्रिया जो है आपका उपचयन है, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन, सी वाले आंसर हो जाएगा। चलिए, सी ए सी ओ थ्री इक्वल यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एरो है चिन्ह है ऐसे करके कि सी ए ओ प्लस सी ओ, उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार का? यहाँ पे देखिए, बड़ा जो है यौगिक टूट रहा है दो छोटे यौगिक में, तो ये इस प्रकार जो टूटने की क्रिया को हम लोग अपघटन कहते हैं, इसी को आपका वियोजन अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसी को वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। राइट आंसर सी। चलिए, 19 है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अरे वाह, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, उपचयन जो है एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, उपचयन, बाकी नहीं है रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, 20 है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यानी ये कौन सा अभिक्रिया, जब देख रहे हैं आप लोग ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो ये ऑक्सीकरण वाला हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो 100% सही है। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से गलत भी नहीं मिल पाएगा, चाहे आंसर की आपको मिलाए चाहे कुछ भी करे। इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? अम्ल मतलब खट्टा वाला, तो खट्टा जो है इसमें से आपका कौन होगा? ये तो नहीं होगा, उदासीन होता है, तो 21 का होगा नारंगी रस, ये जो है आपका जो खट्टा होता है नारंगी का रस जो है, इसमें सिट्रिक अम्ल होता है, आप लोग चेक कर देख सकते हैं। किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, जबकि इसमें क्या होता है क्षारीय होता है, क्षारीय में 7 से कम, और ये 7 के बराबर क्या होता है उदासीन होता है, जैसे पानी का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। चलिए, 23 है, निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो लवण आपका है सी K2SO4, ये एक लवण है। चीनी का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, नहीं जी, चीनी का रासायनिक फॉर्मूला होता है आपका C12H22 और O11 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला 25 नंबर सवाल आपके सामने में है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील होता है आपका क्या होता है? तो आप लोग कैंसर मिल गया है, तो बी लीजिए सोडियम, सोडियम से भी ऊपर होता है पोटेशियम, ये भी होता है बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए सोडियम को मिट्टी तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ये पानी और जल दोनों से, पानी और हवा दोनों से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको हम लोग मिट्टी तेल में अर्थात किरासन तेल में रखते हैं। चलिए, 26 है कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीली होती है? तो अधातु है लेकिन वो चमकीली होती है, तो वो आयोडीन हो जाएगा आपका, आयोडीन यानी नमक जो होता है आयोडीन होता है, ये चमकते रहते हैं, तो 26 का यहाँ पे जो है आपका अधातु होते हुए चमकते हैं तो आपका आयोडीन हो जाएगा आंसर, लेकिन यहाँ पर आपका ब्रोमीन लिखा गया जो गलती है। चलिए, लोहा का परमाणु संख्या आपका 26 होता है, निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप हीरा ग्रेफाइड और फ्लोरीन हो जाएगा, हीरा ग्रेफाइड फ्लोरीन उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। कैल्शियम, कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया कर बनाता है, ये कर करके एथाइन बनाता है, ठीक है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में बी परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को अम्लीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, सॉरी क्षारीय धातु, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा क्षारीय धातु। चलिए, हीलियम की परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन हीलियम जो होता है ये शून्य समूह, बाहरी कक्षा में यहाँ पर देखिए हीलियम की परमाणु संख्या आपका होता है 2, तो 2 का मतलब होता है हम लोग बाहरी कक्षा में यहाँ पे 2 इसका भरा चुका है, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पे 0 होगा जो ऑप्शन में नहीं है, और जो ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है बी वो बिल्कुल तरह से गलत लिखा गया, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ऐसे मार सकते हैं, ऑप्शन 0 नहीं है। तो रंध्रों के द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन, जो पौधे के पत्ती से जो पानी निकलता है उसको। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक एक बीमारी होता है जिसमें रक्त की कमी हो जाता है और व्यक्ति को हैम्फर या फिर आर्बिटोन का जो है ये इंजेक्शन दिया जाता है, अर्थात पानी के साथ चढ़ाया जाता है। अमाशय से जठर रस में पाए जाते हैं, अमाशय के जठर रस में जो है पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं? सलेस्मा, इनमें से सभी पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक सलेस्मा पेप्सिनोजोन, ये सभी के सभी जो है जठर ग्रंथि में पाया जाता है, जो अमाशय का एक भाग होता है ऊपरी भाग। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है,
जो बहुत लंबा होता है। न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होते हैं बच्चे? तो न्यूरॉन में जो है ये उपस्थित कहाँ होते हैं? तो ये कोशिका अर्थात साइटोन में होते हैं। साइटोन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होगा लीवर होगा, क्योंकि लीवर यकृत कलेजा एक ही बात है। तो 38 का ए हो जाएगा। आरआरबी में रेलवे में पूछा गया था 2020 में, काफी बच्चे गलती कर दिए थे, लीवर था वहां पे कलेजा था। तो कलेजा भी होगा, लीवर भी होगा, यकृत भी होगा। इनमें से जनन ग्रंथि कौन है? जनन मतलब कि जो अलैंगिक भाग लेता है जनन में। तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, डी आंसर। जिसमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीव में होते हैं वे कहलाते हैं, नर और मादा लिंग अलग अलग जीव होते हैं उसे कहलाते हैं वह लिंगी नहीं एकलिंगी कहलाते हैं। एकलिंगी अलग अलग होता है, तो एकलिंगी। शुक्राणु बनता है वीर्षण में बनता है, और वहां से पाइप के द्वारा जो है उसमें होता है, हम समझा चुके हैं क्लास में, तो वीर्षण में बनता है ये। चलिए अगला सवाल है 42। निम्न में से कौन परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है? संयम, मैथुन क्रिया में अवरोध, यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी बात। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था जी, ध्यान रखिएगा, इनमें से सभी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी नहीं था। रुधिर वर्ग ओ का जीन होता है प्रभावी अप्रभावी, और ए और बी दोनों। 44 का बी होगा अप्रभावी होता है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 45 का आपका आंसर बी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 45 तक का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है और ये क्लास बिल्कुल इन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो हम अभी तक आप लोगों को बोल रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, बाद में आपको पछताना ना पड़े इसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, धन्यवाद।